सो हेलो गाइज, स्वागत है आप लोग का अपने YouTube चैनल ऑटो वन व्हील पे। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो सेवन सीटर गाड़ियों की मांग करते हैं, और डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा लोगों की यही रहती है कि भाई हमारे को जो है ना सेवन सीटर गाड़ियाँ लेनी है, बाकियों की तरफ हमारे को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। और ये जो सेवन सीटर गाड़ियाँ हैं, इसके अंदर आप लोग को जैसे कि जानते ही होंगे बहुत सारे ऐसे वेरियंट्स आते हैं, और वेरियंट किस हिसाब से आते हैं वो मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए, सेवन सीटर गाड़ियों में एक तो आप लोग की SUV आती है, एक आप लोग की MUV आती है, और एक आती है MPV। ये जो है ना तीनों तरीके की जो है ना गाड़ियाँ आप लोग को सेवन सीटर के अंदर ही जो है ना आ जाती है। और इस वीडियो में भी जो है ना हम लोग मिक्स बात करेंगे, ऐसे पर्टिकुलर कोई एक गाड़ी के बारे में हम बात नहीं करेंगे, या फिर कोई ऐसी डेडिकेटेड वीडियो नहीं है ये। हम सेवन सीटर MPVs कार के बारे में आप लोग को बताएंगे, और SUV या फिर आप लोग MUVs बोलिए उनके बारे में आप लोग को बताएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, आप लोगों को जो है ना इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, और समझ भी आ जाएगा कि कौन सी गाड़ी आ रही है, किस कंपनी की गाड़ी आ रही है। तो लॉन्च डेट के साथ साथ हम लोग प्राइसिंग और थोड़े बहुत फीचर्स के बारे में भी जो है ना इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी जो है ना इस इंटरेस्टिंग वीडियो को आज हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, जो सबसे पहले गाड़ी आ रही है वो महिंद्रा मोटर्स की तरफ से है, बुलेरो नियो प्लस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी कुछ टाइम पहले ही महिंद्रा मोटर्स ने जो है ना बुलेरो नियो प्लस को पूरी तरीके से इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया है पब्लिकली। और नियो प्लस पहले आया जो थी ये इमरजेंसी टाइप में यूज़ होती थी, लाइक एम्बुलेंस के तौर पे इस गाड़ी को यूज़ किया जाता था, बट अब जो है ना आप लोग को ये पब्लिकली मिलने लगी है। आप लोग अगर लेना चाहते हैं इस गाड़ी को, तो इसकी सबसे अच्छी और ख़ास बात आप लोगों को मैं बता देता हूँ, इस गाड़ी के अंदर आप लोग को जो है ना सेवन सीटर का ऑप्शन छोड़ने के बावजूद भी जो है ना 9 सीट का ऑप्शन भी आप लोग को मिल जाता है। ये गाड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी है, आप लोग बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और 9 सीट का ऑप्शन आप लोग को इस गाड़ी के अंदर मिल जाएगा, और थोड़ा बहुत आप लोग को जो है ना कई सारी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, जैसे कि इसके लुक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, और थोड़े बहुत फीचर्स के साथ आप लोग को जो है ना इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, क्योंकि फ़ीचर्स आप लोग को वही पहले वाले मिल जाते हैं इसके अंदर जो आप लोग को पुरानी वाली नियो के अंदर मिलते थे। बस इसके अंदर जो चेंजेस किए गए वो इसके डायमेंशन को लेकर चेंजेस किए गए हुए, जैसे कि आप लोग को इसके अंदर जो इंजन मिलता है वो 2.2 लीटर का डीजल इंजन दिया जाता है, जो कि 130 BHP और 300 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ये मतलब पावर के मामले में आप लोग को जो है ना सफिशियंट लगने वाला है, बस फीचर्स को लेके थोड़ा बहुत आप लोगों को परेशानी आ सकती है। अगर फैमिली बड़ी है आप लोगों की, अगर आप लोग दबा के जो है ना लोग ले जाना चाहते हैं या फिर सामान ले जाना चाहते हैं कहीं बड़े ट्रिप पे, तो ये गाड़ी आप लोगों के लिए एकदम परफेक्ट बैठने वाली है। प्राइसिंग जो है ना इसकी जो है ना 10 लाख समथिंग से जो है ना स्टार्ट हो जाती है, आप लोग जो चाहे तो इसको अपना बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट गाड़ी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ह्यूंडई मोटर्स की तरफ से आने वाली है स्टारगेजर। लोग काफ़ी ज़्यादा जो है ना स्टारगेजर के बारे में पूछते हैं कि ये गाड़ी एक्चुअल में इंडिया आने वाली है या फिर नहीं आने वाली है। कई लोग बोलते हैं कि भाई ये सारी जो है ना फालतू की वीडियोज़ बनाते हैं, कोई ऐसी गाड़ी आने वाली नहीं होती इंडिया के अंदर। देखिए, कंपनीज़ को जो है ना टाइम लगता है ड्यू टू टैक्सीज, उनके वजह से जो है ना गाड़ियाँ नहीं ला पाते, क्योंकि फॉरेन कंट्रियों में जिस हिसाब से गाड़ी बिकती है और जिस हिसाब से फीचर्स दिए जाते हैं ना, यहाँ इंडिया के अंदर अगर सेम प्राइस के साथ उसी उसको देखते हुए फीचर्स को देखते हुए तो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी। तो कंपनियों को सोचना पड़ता है कि ये गाड़ी एक्चुअल में यहाँ पे लोग पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, उस हिसाब से जो है ना गाड़ी लॉन्च की जाती है। बट ये स्टारगेजर जो है, इसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी देता हूँ, ये सेगमेंट में अगर ये गाड़ी जल्दी आती है तो यहाँ पे स्पेस एंड कंफर्ट लेवल आप लोग को हद से ज़्यादा इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलेगा। क्योंकि प्राइसिंग में आप लोग बताऊं, यहाँ पे इंडिया के अंदर अगर ये आएगी तो कितनी रखी जानी चाहिए, एक्सपेक्टेड प्राइस 15 से लेके 17 लाख रुपए के बीच में अगर इस गाड़ी को उतार देती है कंपनी, तो ये बहुत ज़्यादा एक अफोर्डेबल MPV हो जाती है इंडिया में। एरोडायनामिक्स डिज़ाइन के साथ आती है ये, और लुक्स भी काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लग रहे हैं। कनेक्टेड LED DRLs आप लोग देख रहे होंगे, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और काफ़ी ज़्यादा मस्त भी लग रहे हैं। सेफ्टी का ध्यान देते हुए आप लोग को इसके अंदर ADAS का Level 2 दिया जा सकता है, या फिर ADAS नॉर्मली आप लोग को दिया जा सकता है इसके अंदर। और इसमें एक मस्त सा इंटरेस्टिंग पार्ट ये है इस गाड़ी का, सामने से बोनेट का साइज़ जो है ना काफ़ी ज़्यादा छोटा है, जिस वजह से जो फ्रंट कैमरा है और जो फ्रंट में रडार सेंसर इस गाड़ी के अंदर दिए गए ADAS के, वो आप लोग को जो है ना विंडशील्ड पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे फ्रंट में आप लोग को पार्किंग कैमरा मैंने बता दिया आप लोग को। अब इसके अंदर जो इंजन दिए जा रहे हैं ना, वो आप लोग को 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जो कि 130 BHP की पावर निकालेगा। मोस्ट ऑफ़ दी टाइम जो है ना ये ऐसी गाड़ियों के अंदर MPVs गाड़ियों के अंदर जो है किसी भी टाइप का टर्बो या फिर डीजल इंजन नहीं मिलता आप लोग को, नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ही मिलता है, जो कि इसके अंदर भी आप लोग को सेम इंजन कंटिन्यू किया जाएगा। मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन तो आप लोग को दिया ही जाएगा। इंटीरियर भी आप लोग को प्रीमियम लगेंगे इसके अंदर, बहुत सारे ऐसे फीचर्स होंगे जो आप लोग को देख के भी मज़ा आएगा। और अगर लॉन्च डेट के बारे में हम लोग इस गाड़ी के बारे में बात करते हैं, तो देखिए ये आप लोग को जो है 2025 के शुरुआती दौर पे या फिर 2024 के एंड तक जो है ना अगर
किसी भी टाइप की अगर आप लोग के लिए न्यूज़ आती है निकल के, तो मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगा। आप लोगों ने इस वीडियो पे बने रहना है और चैनल पे को भी सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट गाड़ी के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो किया मोटर्स की तरफ से आने वाली है टेल्यूराइड। टेल्यूराइड की भी सेम कहानी है। अब ये जो है ना, देखिए इतनी सारी गाड़ियाँ हैं मार्केट में, मतलब फॉरेन कंट्रियों की या फिर आप लोग वर्ल्ड पे बात करते हैं पूरे यूनिवर्सल, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी सारी अमाउंट पे गाड़ियाँ बिकती है जो कि आप लोगों ने किसी के नाम तो सुने भी नहीं होंगे। लाइक उसमें से एक टेल्यूराइड भी एक गाड़ी है जो कि 7 सीटर है और वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। यहाँ पे लुक्स वाइज देखते हो किया को, तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक्स के साथ इस गाड़ी को बनाया गया है। और एक नया किया का ग्रिल आप लोग देख रहे होंगे टाइगर नोज वाला, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है देखने में भी। न्यू लाइटिंग सेटअप है इस गाड़ी के अंदर। 3.8 लीटर का आप लोग को पेट्रोल इंजन दिया जाएगा इसमें, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंजन होगा। और यहाँ पे 8-स्पीड ऑटोमेटिक DCT गियरबॉक्स के साथ आप लोग को जो है ना ये गाड़ी मिल जाएगी। किया मोटर्स के बारे में आप लोग जानते ही हैं, इंडिया के अंदर काफ़ी प्रीमियम गाड़ियाँ बेचता है ये भी और काफ़ी बिकती भी है इनकी गाड़ियाँ। तो किया मोटर्स जानती है इंडियन कस्टमर को किस चीज़ की नीड है, तो उसी हिसाब से जो है ना इस गाड़ी को भी इंडिया के अंदर लाया जाएगा। और कनेक्टेड किया टेक आप लोग को इसमें मिल जाएगा। वेंटिलेटेड सीट्स होंगे, ट्रिपल जोन के साथ आप लोग को AC ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा, एडास आप लोग को दिया जाएगा और भी कई सारे ऐसे बेहतरीन फीचर्स आप लोग को जो है ना इस किया के टेल्यूराइड के अंदर मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बना देगा। इसकी अगर मैं लॉन्च डेट के बारे में बात करता हूँ, तो देखिए ये गाड़ी भी आप लोग को 2025 के पहले तो जो है ना मुश्किल ही यहाँ पे आ सकती है, बट अगर आएगी ज़रूर हम आप लोगों से जो है ना शेयर करेंगे। नेक्स्ट गाड़ी के बारे में बात करते हैं, तो भाई अब जो सबसे ज़्यादा अवेटेड गाड़ी है इनकी, ठीक है, वो है मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा 7 सीटर के साथ। लोग भाई मतलब पागल हुए पड़े हैं ग्रैंड विटारा के लिए यार। अभी मैंने रिसेंटली जो है ना ग्रैंड विटारा के ऊपर भी वीडियो बनाई है, अगर आप लोग नहीं देखी है तो चेकआउट कर सकते हैं, पूरी डिटेल के अंदर आप लोग को वीडियो मिल जाएगी उसमें। यहाँ पे इस 7 सीटर ग्रैंड विटारा के अंदर आप लोग को बहुत सारी चीज़ें तो नहीं मिलेगी, हाँ प्राइसिंग के बारे में मैं आप लोग को ज़रूर से आइडिया थोड़ा बहुत दे सकता हूँ। अगर देखिए 7 सीटर के ऊपर ही बात करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग को जो है ना 1 से 1.5 लाख रुपए के ज़्यादा फ़र्क इतनी होगा, बस इतने से ही आप लोग को जो है ना प्राइसेस बढ़ेंगे। 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन आप लोग को ऑफर किया जाएगा और 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन दिया जाएगा। 2 इंजन आप लोग को दिए जा रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो 7 सीटर ग्रैंड विटारा की डिमांड बहुत है मार्केट में, तो हम भी उम्मीद करते हैं मारुति सुजुकी से तो इसको 7 सीटर के साथ लॉन्च कर दिया जाए, बाकी करती ही नहीं करती वो अलग बात हो जाएगी। मैनुअल CVT और ECVT गियरबॉक्स आप लोग को दिया जाएगा इसमें। यहाँ पे जो है ना नए अपग्रेड फीचर्स थोड़े बहुत ही होंगे इसमें। बिग इन्फोटेनमेंट सिस्टम होगा एक पूरी तरीके से, ट्रिपल जोन AC क्लाइमेट कंट्रोल, Level 2 का एडास, पैनोरामिक सनरूफ, एम्बियंट लाइट और टायर साइज भी अपग्रेड किया जाएगा, डायमेंशन तो चेंज होने ही है। सो ये थी पूरी ग्रैंड विटारा के ऊपर आप लोगों को मैंने चीज़ें बता दी। इसके लॉन्च डेट के बारे में बात करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे ये जो है सितंबर से अक्टूबर तक इस गाड़ी का अनुमान लगाया जा सकता है कि तब तक ये गाड़ी आ जाए। चलिए नेक्स्ट गाड़ी के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो टाटा मोटर्स की तरफ से आ सकती है भाई सफारी पेट्रोल के साथ। बहुत जल्दी ये गाड़ी भी जो है ना मार्केट में आने वाली है। आप लोग जानते ही अब धीरे धीरे जो है ना फेस्टिव सीज़न का दौर अब शुरू होने जा रहा है काफ़ी कुछ टाइम बाद, तो गाड़ियाँ आने वाली है बहुत ज़्यादा, उनमें से सफारी पेट्रोल के साथ भी आ सकती है। इसके अंदर जो है ना आप लोग को सिर्फ इंजन के साथ बदलाव किया जाएगा और थोड़े बहुत फीचर्स होंगे जो आप लोग को ऐड किए जाएंगे। तो नई SUV है पता है आप लोगों को, ठीक है, फेसलिफ्ट इसका लॉन्च हुआ था, देखने में अट्रैक्टिव काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी एग्रेसिव डिज़ाइन दिए गए हुए। टाटा मोटर्स बहुत अच्छा डिज़ाइन करता है गाड़ियों को। यहाँ पे जो सबसे खास USP है इसकी पेट्रोल इंजन के साथ वो रहने वाली है 1.5 लीटर का TGDI 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 168 BHP और 280 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स के साथ पेयर होगा, या फिर 8-स्पीड DCT गियरबॉक्स दिया जा सकता है। न्यू इन्फोटेनमेंट सिस्टम है जानते ही आप लोग, 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 4 स्पोक के साथ मल्टी फंक्शन स्टेयरिंग व्हील जिसमें इल्यूमिनेटेड लोगो आप लोगों को देखने को मिलता है, जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है यार, अच्छा लगता है देखने में। डुअल जोन AC क्लाइमेट कंट्रोल है, वेंटिलेटेड सीट्स, एडास, पैनोरामिक सनरूफ विद एम्बिएंट लाइट। अब देखिए खास बात इसकी प्राइसिंग को लेके होगी, पेट्रोल के साथ इस गाड़ी की प्राइसिंग जो है ना थोड़ी डाउन हो सकती है, 15 से लेके 22 लाख रुपए के बीच में आप लोग को ये गाड़ी मिल जानी चाहिए। अब जो है इसके हम लॉन्च डेट के बारे में बात करते हैं, फेस्टिव सीजन तक ये गाड़ी आप लोग को बड़े आराम से मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट गाड़ी के बारे में बात करते हैं, और वो भी है अपनी टोयोटा मोटर्स की तरफ से ही फॉर्चूनर का न्यू जनरेशन। अब इसको भी लोगों को मतलब पागल हुए पड़े इस गाड़ी के पीछे यार, मतलब इसका तो मतलब जगह जगह सोशल मीडिया पे आप लोग जो है ना फॉर्चुनर देखते रहते होंगे। इस गाड़ी को भी जो है लॉन्च कर देना चाहिए यार फॉर्चुनर को, टोयोटा मोटर्स कर क्या रहे हैं।
तो अब देखिए बात करते हैं इसके बारे में। तो डिज़ाइन पूरी तरीके से चेंज होने वाला है इस फॉर्चुनर के अंदर, बहुत ज़्यादा मेजर अपग्रेड इस गाड़ी को दिए जा रहे हैं। प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से चेंज है, ठीक है। अब इंजन देखिए कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिया जाएगा इसके अंदर, जो मिलता है आप लोगों को वो है 2.8 लीटर का टर्बो डीजल इंजन 201 bhp और 420 nm का टॉर्क के साथ। और दूसरा इंजन जो होगा वो 2.7 लीटर का पेट्रोल इंजन होगा, जो कि 164 bhp और 240 nm का टॉर्क जनरेट करता है ये। मतलब फॉर्चुनर वाले हो यार, मतलब आप लोगों का भी अलग सा ही सिस्टम चलता है मार्केट में। नहीं, गाड़ी जितनी मर्जी महंगी हो पर लेना तो लेना है हमारे को फॉर्चुनर। हाइब्रिड का इंजन आप लोग को इसके अंदर मिल सकता है, सॉरी हाइब्रिड ऑप्शन आप लोग को मिल सकता है, जो कि बहुत बड़ा चेंज हो सकता है यार, ठीक है, इस गाड़ी के लिए। अब प्राइसिंग के बारे में आइडिया लगा सकते हैं आप लोग। अभी ये जो है ना 50-55 लाख रुपये को क्रॉस कर जाती है, तो मतलब ये सोच के चलो कि 60 लाख नॉर्मली, ठीक है, ये गाड़ी आप लोग को 60 लाख में मिल सकती है। 360 डिग्री कैमरा, पैनोरामिक सनरूफ या फिर सनरूफ नॉर्मली आप लोग को मिलेगा इसके अंदर। बाकी देखते हैं टोयोटा मोटर सनरूफ देता है या फिर नहीं देता, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एडास आप लोग को दिया जाएगा इसमें। अब इस गाड़ी का लॉन्च डेट भी जो है ना, ये 2-3 महीने के अंदर आप लोग को मार्केट में मिल जाएगी। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट गाड़ी के बारे में हम बात करते हैं। तो किया मोटर्स की तरफ से आने वाली है कार्निवाल का न्यू जनरेशन। आप लोगों को जानते ही है कार्निवाल नया जनरेशन बहुत जल्दी यहाँ मार्केट में आ सकता है, बट आएगा या फिर नहीं आएगा वो कन्फर्म नहीं है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो कार्निवाल का पहले जो यहाँ पे सिस्टम रह चुका था बहुत ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस गाड़ी थी, जिस वजह से जो है लोगों ने इतनी महंगी एमपीवी नहीं लेना प्रेफर नहीं किया। तो अभी जो कार्निवाल का नया जनरेशन है वो भी सेम कहानी के साथ आने वाली है, बट इसके साथ डिज़ाइन पूरी तरीके से चेंज किया गया है, काफ़ी प्रीमियम बना दिया गया है इसके। आप लोग सामने से भी देख पा रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रही है गाड़ी। प्राइसिंग वही है, 1-1.5 लाख रुपये का फ़र्क आप लोग को और नज़र आएगा इसमें, हाइक मिलेंगे प्राइसेज में। 2.2 लीटर का डीजल इंजन होगा, मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक डीसीटी, मूनरूफ, यानी कि दो सनरूफ दिया जाएगा आप लोगों को इसमें, पीछे के लिए पीछे वालों के लिए पीछे, आगे वालों के लिए आगे। यहाँ पे बिग इंफोटेनमेंट सिस्टम और पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए भी जो है ना एक अलग से आप लोगों को इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाएगा पीछे स्क्रीन। 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड प्लस हीटेड सीट्स आप लोगों को दिए जाएंगे, जो कि काफ़ी तरीके से जो है ना एडजस्ट हो जाते हैं। यहाँ पे पावर टेल गेट के साथ साथ आप लोगों को पावर डोर्स आप लोगों को मिल जाएंगे, मतलब बटन दबाते ही ये दरवाज़ा खुल जाता है सिम सिम। लॉन्च डेट इस गाड़ी का भी जो है ना 1-2 महीने के अंदर आप लोगों को ये गाड़ी मिल जाएगी यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट गाड़ी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली है XL7, सेम कहानी है ग्रैंड विटारा वाली ये, ठीक है, ये इसका भी वही रहने वाला है। XL6 का अपग्रेड वर्जन रहेगा या फिर एडवांस वर्जन रह सकता है XL7, जिसमें आप लोग को जो है ना मेजर चेंजेस नहीं किए जाएंगे, बस नॉर्मली होगी लेंथ गाड़ी की बढ़ेगी, मतलब यानी कि डायमेंशंस में फ़र्क दिखेगा आप लोगों को, और टायर साइज़ भी अपग्रेड होंगे। यहाँ पे सेफ्टी के फीचर्स दिए जाएंगे इसके अंदर, ठीक है, नॉर्म्स को देखते हुए। इसमें भी आप लोग को जो है ना 1-1.5 लाख रुपये का फ़र्क नज़र आएगा इसके प्राइस को लेके। 1.5 लीटर का के सीरीज़ पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाएगा 101 bhp के साथ, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा आप लोगों को। लेवल 2 का एडास है। इंटीरियर में आप लोग को जो है ना XL6 जैसा ही आप लोग को प्रतीत होगा। बिग स्क्रीन, 360 डिग्री कैमरा होगा, वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटेड सीट्स और भी ऐसे कई फीचर्स होंगे जो आप लोग को दिए जाएंगे अपग्रेड करके। बाकी लॉन्च डेट जो है ना इस गाड़ी का भी आप लोग फेस्टिव सीजन तक ही अनुमान लगाइए। चलिए नेक्स्ट गाड़ी के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट गाड़ी जो है आ रही है वो है होंडा मोटर्स की तरफ से आने वाली पायलट। ये भी सेम कहानी है वही वाली जो आप लोग को महिंद्रा की बोलेरो न्यू प्लस वाली बताई मैंने। इसमें आप लोग को 8 सीट का ऑप्शन मिलता है पायलट के अंदर। ये 4x4 ऑफ रोडर है, बहुत ज़्यादा तगड़ी, बहुत ज़्यादा बड़ी गाड़ी है, ऑल व्हील ड्राइव के साथ आती है, ठीक है। यहाँ पे लुक्स डिज़ाइन प्रीमियम बहुत ज़्यादा लग रहे हैं आप लोगों को, नेक्स्ट लेवल का कंफर्ट होगा इसमें। प्राइसेस जो है ना थोड़े बहुत ज़्यादा आप लोग को लगेंगे, क्योंकि 30 से लेकर 35 लाख रुपये की कीमत इस गाड़ी की हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, ये तो मैं आप लोग को एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ। 3.8 लीटर का V6 पेट्रोल इंजन होगा इसमें 320 bhp के साथ और 400 nm के टॉर्क के साथ। मैनुअल DCT गियरबॉक्स, बिग स्क्रीन, हेडसअप डिस्प्ले, वेंटिलेटेड प्लस हीटेड सीट्स, एडास का सेफ्टी फीचर और भी कई सारे ऐसे नए नए फीचर्स होंगे जो आप लोग को पायलट के अंदर देखने को मिलेंगे। गाड़ी कैसी लग रही है ज़रूर से बताना, और लॉन्च डेट के बारे में बता दूँ 2025 तक ही ये गाड़ी आप लोग को मिल सकती है। चलिए अब हम लोग जो है ना आखिरी गाड़ी के बारे में बात करते हैं यहाँ इस लिस्ट की, ठीक है। तो वो रह सकती है आप लोगों की किया मोटर्स की तरफ से मोहावे, जो आप लोगों ने जो है ना स्टार्टिंग में देख ली थी। ये भी 7 सीटर में आने वाली प्रीमियम SUV रहेगी, एग्रेसिव लुक्स और स्पोर्टी डिज़ाइन के साथ साथ। नया किया का ग्रिल आप लोग देख रहे होंगे, न्यू हेडलाइट सेटअप देख रहे होंगे क्वार सेटअप के साथ साथ। यहाँ पे प्राइसिंग में जो है ना आप लोग को 20 से लेकर 27 लाख रुपए की कीमत के अंदर मिल सकती है। 2.2 लीटर का डीजल इंजन होगा, 8-speed DCT गियरबॉक्स के साथ, अप टू डेट फीचर्स मिलेंगे, इंटीरियर भी उतने ज़्यादा प्रीमियम होंगे। बाकी इस गाड़ी के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में नाम लिख सकते हैं। बाकी ओवरऑल ये थी वो गाड़ियाँ जो आप लोगों को जो है ना कुछ आने वाले टाइम में मिलने वाली है 7 सीटर के साथ। अब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी देखने के लिए। बाकी उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा इस वीडियो को, ठीक है।
बाकी मैं मिलूंगा आप लोग ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। आप लोग रखना अपना ध्यान, वीडियो देखने के लिए आप लोग का दिल से धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।